Nurturing excellence. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, अवेगेस एकेडमी के परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज के सेशन में हम करने वाले हैं एम्बेडेड फिगर। ठीक है, देखो एम्बेडेड फिगर का जो चैप्टर है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके 2 से 3 नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को लास्ट तक देखें। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं अपन एम्बेडेड फिगर। तो देखो एम्बेडेड फिगर का मतलब क्या होता है, एम्बेडेड फिगर का मतलब होता है कि ए फिगर इज सेड टू बी हिडन और एम्बेडेड। मतलब ये एम्बेडेड फिगर का मतलब होता है कि जो अपने को फिगर पूछा जाएगा वो किसी अदर फिगर के अंदर क्या होता है, एम्बेडेड या फिर हिडन। हिडन फिगर को ही क्या बोला जाता है, एम्बेडेड इन अनदर फिगर। कि एक अपने को अदर फिगर्स दिया होगा, ठीक है, तो अपने को उसके अंदर देखना है कि उसके अंदर वो जो अपने से क्वेश्चंस पूछा है वो वाला फिगर उसमें क्या है, हिडन है। ठीक है, व्हेन फॉर्मर इज कंटेन इन द लेटर। ठीक है, कि एक अपने को एक ऑप्शन दिया होगा या फिर एक अपने को फिगर दिया होगा। ठीक है, एंड अपने को फाइंड करना पड़ेगा कि ये जो फिगर है ये कौन से वाले डायग्राम के अंदर इंक्लूड है या फिर हिडन है या फिर एम्बेडेड है। ठीक है, मतलब वो जो क्वेश्चन क्वेश्चन वाला जो डायग्राम होता है वो ऑप्शन वाले डायग्राम्स के अंदर क्या होता है, इंक्लूडेड होता है। उसको उसके अंदर इंक्लूड होता है या फिर हिडन होता है, तो अपने को सिर्फ वो ही फाइंड करना होता है कि वो कौन से डायग्राम के अंदर वो हिडन है। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये चीज क्वेश्चन से ही ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो देखो क्वेश्चन अपना इस तरीके से लिखा होगा कि विच आंसर फिगर इज द गिवन फिगर एम्बेडेड। ठीक है, कि अपने को जो ये गिवन फिगर है ये कौन से इन डायग्राम्स में या फिगर्स के अंदर क्या है, एम्बेडेड है। एम्बेडेड का मतलब जैसे कि मैंने पहले बताया कि एम्बेडेड का मतलब होता है कि हिडन या फिर इंक्लूडेड। मतलब ये वाला जो डायग्राम है ये डायग्राम इससे नीचे वाले ऑप्शंस के अंदर किसके अंदर इंक्लूड है, किसके अंदर हिडन है या फिर किसके अंदर एम्बेडेड है। ठीक है, मतलब ये इसके कौन से वाले डायग्राम के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ देखा कि अपना जो क्वेश्चंस वाला डायग्राम है ये कुछ इस तरीके का है। ठीक है, इस तरीके का डायग्राम था। अब ये देखते हैं कि देखो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ऐसा बन सकता है कि नहीं, पे फर्स्ट में नहीं बन रहा। अब देखते हैं कि सेकंड ऑप्शन के अंदर, सेकंड ऑप्शन में ऐसा कोई शेप बन रही है क्या। तो यहां अपन ने देखा कि ये सेकंड ऑप्शन के भी अंदर नहीं बन रही। अब देखो थर्ड ऑप्शन के अंदर देखा तो देखो ये वाला डायग्राम बन रहा है अपना, अपने क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ था। तो देखो ये वाला डायग्राम बन गया, तो यहाँ अपना आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 3। क्योंकि अपने को बताना सिर्फ वही है कि जो अपने को क्वेश्चन फिगर होगा कि वो क्वेश्चन फिगर कौन से ऑप्शन वाले फिगर्स के अंदर हिडन है। ठीक है, कौन से वाले आंसर फिगर्स के अंदर हिडन है वो बताना था। तो यहाँ अपने फर्स्ट का आंसर हो जाता है ऑप्शन 3। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अपने को दिया हुआ है कि अपने को दिया हुआ है कि एक दो ट्रायंगल है, सॉरी दो स्क्वायर है एंड इसमें एक क्रॉस करते हुए लाइंस है। तो यहाँ देखते हैं कि ऑप्शन जैसे फोर्थ को अगर देखा तो देखो दो अपने को स्क्वायर तो देखे बट ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी, तो ऑप्शन फोर तो होगा नहीं। ऑप्शन थ्री में देखा तो यहाँ देखो कि दो स्क्वायर तो दे दिए गए लेकिन ये जो लाइंस थी ये इंटरसेक्ट कर रही थी या इंटरसेक्ट भी कर रही थी बट ये अंदर वाले स्क्वायर के अंदर ही है, बाहर वाले स्क्वायर के अंदर ही है, तो ये वाला नहीं होगा। अब देखते सेकंड ऑप्शन को, तो सेकंड में अपन ने देखा कि टू स्क्वायर तो दिए हुए बट इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो ये भी नहीं होगा। अब देखते इसके अंदर, तो देखो इसके अंदर अपने को फाइंड करना पड़ेगा। देखो देखो ये तो एक तो हो गया बाहर वाला, एक बना लेते हैं ये अंदर वाला बन गया एंड ये हो गई इंटरसेक्ट करते हुए लाइन, तो ये इसके अंदर देखो हिडन मिल गया, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। इस तरीके से देखना है कि अपने को जो क्वेश्चन फिगर है इस क्वेश्चन फिगर है अपने आंसर या फिर ऑप्शन वाली जो फिगर है उसके अंदर किसके अंदर हिडन है, एम्बेडेड है या फिर किसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो यहाँ अपना आंसर हो जाता है ऑप्शन फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अपन ने देखा कि देखो अपने को कुछ ऐसी शेप दी हुई है, अब अपन ये देखते हैं कि ये किसके अंदर इंक्लूड है। तो यहाँ अपन अगर देखें ऑप्शन फर्स्ट के अंदर देखते हैं तो ऑप्शन फर्स्ट के अंदर तो ये नहीं बन रहा कि देखो ये चीज तो बन गई
बट ये जो नीचे वाली लाइन थी ये नहीं बनी, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो सेकंड की अगर अपन देखते हैं तो सेकंड के अंदर भी ये नहीं बन रहा है। अब देखते हैं यहाँ थर्ड ऑप्शन में, तो देखो थर्ड के अंदर ये वाला बन रहा है चीज, ठीक है, जैसा ऊपर बना हुआ था, और नीचे वाली ये दोनों लाइनें भी बन रही है। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन के अंदर ये क्या है, एम्बेडेड है। तो यहाँ अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री इज राइट आंसर। देखो इतना इजी है आपको, और ये इजीली मतलब टू से थ्री क्वेश्चंस हो रहे थे इसके, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। अपने को सिर्फ हिडन देखना है कि ये कौन से डायग्राम से बन रहा है, जो चीज आप इजीली बता पाओगे, और अपने 3 मार्क्स 100% श्योर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये क्लास लास्ट तक देखनी है। अगर आप ये क्लास भी अगर देख लेते हो तब भी आप ये जो नॉन वर्बल वाला जो जितने भी चैप्टर है ना, वो सिर्फ आप ओनली ये क्लास देखने से कवर कर सकते हो। सिर्फ ये क्लास देख लो, एंड उसके बाद में 10 to 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, एंड देन जब मैं मॉडल पेपर कर रहा हूँ तो वो मॉडल पेपर आप मेरे साथ करते रहोगे, तो आप इजीली ये नॉन वर्बल की चैप्टर इजीली कर पाओगे, एंड अपन जो टारगेट है 50, आपको 50 वो अपन अचीव कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में देखा अपन ने यहाँ की ये कुछ ई टाइप का दिया हुआ है, बट ये जो मिडिल वाली लेग से ये थोड़ी स्मॉल है, ठीक है। तो यहाँ अपन ने देखा कि ऑप्शन वन में, तो देखो ये चीज तो बन गई भाई, बट मिडिल वाली नहीं बनी, तो ये नहीं होगा। सेकंड में अपन ने देखा कि सेकंड में बन रहा है, थर्ड में नहीं बन रहा, फोर्थ में देखा कि फोर्थ में नहीं बन रहा। तो देखो यहाँ ये शेप बन रही है, ये बन गया। तो यहाँ देखो ये किससे, अपने को बताना भी यही था कि जो अपने क्वेश्चन फिगर के अंदर जो डायग्राम है वो कौन से डायग्राम में एम्बेडेड है, हिडन है, या फिर इंक्लूडेड है। तो यहाँ अपने को मिला ऑप्शन सेकंड की, वो ऑप्शन सेकंड के अंदर क्या है, इंक्लूडेड है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट अपने को दिया है कि ये कुछ फेस बना हुआ है, इसमें स्माइली है, नोज है, एंड आईज है, एंड आईज के बीच में क्या है, तो डॉट है। तो अपन देखते हैं कि कौन से डायग्राम में सब बन रहा है। देखो इसमें देखेंगे तो देखो इसका फेस जो स्माइली था ये ऊपर की तरफ था, बट इसमें नीचे की तरफ हो गया, तो ऑप्शन वन नहीं हो सकता। सेकंड में देखा इसमें भी नीचे की तरफ है, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन थर्ड में अपन ने देखा, तो देखो यहाँ फेस भी सही है, नोज भी सही है, आईज भी सही है, ठीक है। तो ये वाला देखो डायग्राम, ये वाला डायग्राम वही बन गया जो अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन फिगर के अंदर। तो यहाँ हिडन जो एम्बेडेड फिगर है वो कौन सा किसके अंदर मिला अपने को, ऑप्शन थ्री में। तो यहाँ अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, क्योंकि जो अपने को क्वेश्चंस वाला फिगर है वो किसके हिडन है, किसके अंदर हिडन है, ऑप्शन थ्री में। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री इज राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अपने को दिया दे रखा है कि इन विच आंसर फिगर इज द गिवन फिगर एम्बेडेड, कि ये जो गिवन फिगर है ये कौन से आंसर फिगर के अंदर क्या है, एम्बेडेड है, ठीक है। तो ये देखो बन किस रहा है, इसे सीधी लाइन, उसके बाद कुछ एंगल पे, देन राइट एंगल पे, एंड देन। तो ये देखते हैं कि ये कौन से डायग्राम के अंदर बन रही है। तो देखो अपन अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ तो ये क्रिएट हो नहीं रही है, तो ऑप्शन वन हो गया रॉन्ग। फिर देखो अगर सेकेंड ऑप्शन देखते हैं तो सेकेंड ऑप्शन में नहीं बन रहा, अगर थर्ड ऑप्शन में देखते हैं तो ये थर्ड में बन रहा है। देखो ये आई, उसके बाद में यहाँ से रोटेट हुआ, उसके बाद में राइट एंगल पे गई, एंड देन नीचे की तरफ आ गई। तो यहाँ ये क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा अपना ऑप्शन थ्री इज राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके से देखना है कि अपने को जो क्वेश्चन फिगर होगा अपने को ये देखना है कि ऑप्शन वाले फिगर्स के अंदर वो किससे ऑप्शन से क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अपने को दे रखा है कि यहाँ एक स्क्वायर है, एंड स्क्वायर के अंदर ये एक डायगोनल हो गया, एंड उसके ऊपर क्या है, ये कि है लाइन जा रही है इसकी मिडिल के ऊपर। तो देखते हैं कि ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है। तो ये सब तो डायरेक्ट अपने को दिख रहा है कि ऑप्शन फोर के अंदर ही बन रहा है ये डायग्राम। तो देखो कि यहाँ एक स्क्वायर था और ये डायगोनल हो गया, और ये इसके ऊपर मिडिल के ऊपर लाइन जा रही। तो यहाँ अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर इज राइट आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, आप इजीली कर लोगे, ठीक है। कि यहाँ अपने को सिर्फ इतना देखना है कि क्वेश्चन फिगर का जो डायग्राम है वो ऑप्शन वाली फिगर्स के अंदर किस डायग्राम में है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो ये तो था फर्स्ट टाइप के, अपन ने देख लिया कि वहां क्या था, अपने को एक डायग्राम दिया हुआ था, ठीक है, और वो डायग्राम अपन ये देख रहे थे कि ऑप्शन वाले जो डायग्राम है उसके अंदर किसके अंदर वो हिडन है या एम्बेडेड है, ठीक है। अब ये जो है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज गिवन फिगर इज एम्बेडेड, अब ये भी क्वेश्चन तो इस टाइप का आएगा, लेकिन यहाँ क्या होगा कि अपने को एक डायग्राम के कुछ साइज में उसको कट करके दिया होगा। जैसे यहाँ अपने को फोर पार्ट दे दिया, वन पार्ट
देन सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, ठीक है। ये अपने को एक डायग्राम के चार पार्ट करके कट करके दे दिया। अभी अपने को ये बताना है कि जब इनको अपन क्लोज करेंगे या जब इनको ऐड करेंगे तब कैसी शेप बनेगी, ठीक। तो यहां पर देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट में, तो ऑप्शन फर्स्ट के अंदर देखते हैं अगर, तो यहाँ ऑप्शन फर्स्ट के अंदर तो देखो बन नहीं रहा है क्योंकि ये जो एल बन रहा है ये कुछ लॉन्ग है जबकि इसमें तो स्मॉल बन रहा है। ऑप्शन सेकंड के अंदर देखते हैं तो ये तो बन रहा है, ऑप्शन फोर भी बन गया एंड वन भी बन गया, ठीक है। अब देखते हैं तो ये भी नहीं बन रहा है। ऑप्शन थ्री के अंदर देखा तो देखो ये बन गया, देन थ्री वाला भी बन गया एंड टू भी बन गया एंड वन भी बन गया। तो यहाँ अपना आंसर हो जाता है ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर, क्योंकि देखो ये हो गया अपना यहां से वन पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट, ये हो गया थर्ड एंड ये हो गया फोर्थ पार्ट। मतलब इन चारों को जब अपन ने एक जगह बनाया डायग्राम तो यहाँ कैसा बनेगा, ऑप्शन जो थ्री के अंदर जो डायग्राम दे रखा इस तरीके का। तो देखो सेकंड टाइप के क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको एक डायग्राम के कुछ शेप्स काट के दी हुई रहेगी और आपको फिर ये बताना पड़ेगा कि यहाँ से ये कौन से डायग्राम से एम्बेडेड है, ठीक है, कि ये शेप्स कौन से डायग्राम से कट की हुई है या कौन से डायग्राम के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अपने को दिया हुआ है कि एक सर्कल था उसके लोग था और ये एक प्लस का साइन बना हुआ है, तो अपने को ये देखना है कि जो ये डायग्राम बनेगा ये किससे से बन सकता है। तो देखो अपने पास यहाँ अपन क्या क्या यूज में ले रहे हैं, एक सर्किल है, एक डॉट है एंड टू लाइन है। तो देखो ऑप्शन फर्स्ट में देखा कि अपने पास एक लाइन है, एक डॉट है, एक सर्किल है, बट यहाँ अपने को लाइन की जरूरत दो की थी तो ये तो नहीं बनेगा। सेकंड देखते हैं यहाँ टू लाइन आई, सर्किल आई बट डॉट नहीं आया, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर थर्ड को देखते हैं कि यहाँ सर्किल आया, एक डॉट आया एंड टू लाइन आई, तो ये वाला हो जाएगा, इससे वो बन सकता है। तो यहाँ अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री इज राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अपने उसे दे रखा है कि इन विच आंसर फिगर इज द गिवन फिगर एम्बेडेड, कि ये जो अपने को गिवन फिगर है ये कौन से आंसर फिगर में क्या है एम्बेडेड है, ठीक है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि ऑप्शन में फर्स्ट के अंदर ही मैच हो रहा है, तो ये बन रहा है यहाँ से ऐसे देन यू जाके ऐसे, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन वन मिल गया अपने को, तो यहाँ अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन दीजिए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अपने को देखो कुछ ऐसी शेप दी हुई है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में बन रहा है। तो देखो यहाँ सेकंड ऑप्शन में देखिए तो ये चीज तो आई बट नीचे वाली नहीं है तो ये नहीं बन सकता। ऑप्शन फोर में देखिए तो ये बना बट यहाँ भी नीचे वाला नहीं है तो ये भी नहीं बन सकता। ऑप्शन अगर अपन देखते हैं थर्ड में तो थर्ड में ये आया बट इसमें भी नीचे नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट में अगर देखते हैं तो देखो ये आया ऐसे देन ये मिल चुका है अपने को, यही देखना था अपने को क्वेश्चन पे, तो मैं यही डायग्राम दिया हुआ था तो ये अपने को किससे मिला ऑप्शन वन से, तो यहाँ अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन से राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो अपने को दिया हुआ है कि दो ये ट्रायंगल टाइप के दिए हुए थे, ठीक है, और इसके अंदर एक लाइन है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि कौन से ऑप्शन के अंदर ये सा दो ट्रायंगल बना हुआ है एंड देन ये क्रॉस करते हुए लाइन है। तो देखो यहाँ अपने को ऑप्शन सेकंड के अंदर मिला कि ये देखो दो ट्रायंगल बने, ठीक है, और ये हो गई इसके मिडल से लाइन, ठीक है। तो यहाँ अपना आंसर हो जाता है ऑप्शन जो अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है इस फिगर का, अगर अपन एम्बेडेड फिगर देखते हैं तो अपना ऑप्शन में सेकंड इज राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में अपने को फिर से दे रखा है कि एक ट्रेंगल दे रखा है, ठीक है, और इस ट्रेंगल के अंदर से एक मिडिल से गुजर रही है एंड अपना एक है ये किसके अंदर रखा हुआ है, एक स्क्वायर के अंदर रखा हुआ है। तो देखते हैं कि एक ट्रेंगल बट वो स्क्वायर के अंदर भी रखा हुआ और उसके अंदर से क्या एक लाइन भी गुजरी। तो देखो ये था एक ये स्क्वायर बना हुआ है एंड उसके अंदर देखो ये ट्रेंगल भी बना हुआ है और उसके अंदर से ये देखो लाइन भी जा रही है, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम बन गया, तो यहाँ हो जाता है अपना ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। देखो इसी तरीके से देखना है अपने को जो क्वेश्चन फिगर होगा वो क्वेश्चन फिगर कौन से ऑप्शन के अंदर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ अपना हो जाता है ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो अपने को यहाँ दे रखा है कि एक स्क्वायर दे रखा है एंड ये बीच से एक लाइन गुजर रही है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि कोई स्क्वायर ऐसा बन रहा हो और उसकी लाइन से जाए, तो देखो ये स्क्वायर टाइप का बन रहा था और ये अंदर से एक लाइन भी जा रही है। तो यहाँ अपने जो क्वेश्चन फिगर है इसका एम्बेडेड कहाँ मिला अपने को, ऑप्शन थ्री में ऐसा डायग्राम है जहां से वो क्या है उसके अंदर हिडन है, ठीक है। तो यहाँ अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री इज राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट के अंदर फिर से अपने को एक डायग्राम के ये कुछ पीसेस कट करके दिए हुए हैं और फिर अपने को अब ये बताना है कि ये डायग्राम ये जो पीसेस है इनको एड करने पे
कौन सा डायग्राम बनता है या फिर ये कौन से डायग्राम से कट किए हुए हैं, ठीक है। तो यहां से अगर देखते हैं कि ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये छह पार्ट है। अब ये देखते हैं कि इसमें तो यहाँ तो ये नहीं बन रहा है, सेकंड में इसमें भी नहीं बन रहा, इसमें देखेंगे अगर तो एक सर्किल है बट यहाँ पेंटागोन नहीं है तो ये नहीं बनेगा। अब देखो ऑप्शन वन ही बचा है, और इसमें देखो ये फर्स्ट हो गया, ये थर्ड हो गया, ये सर्किल फोर हो गया एंड ये ट्रेंगल हो गया टू, देन ये हो जाएगा आपका फाइव और ये हो गया आपका सिक्स, ठीक है। तो ये सारे इसके अंदर हिडन है, तो यहाँ अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन ही राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको कि एक डायग्राम के ऐसे पीसेस कट करके दे दे एंड फिर पूछे कि ये किसके अंदर एम्बेडेड है, तो यहाँ अपना आंसर हो जाता है ऑप्शन वन इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में देखो अपने को कुछ ऐसी शेप दी हुई है और ये देखना है कि ये किसके अंदर है, ठीक है। तो यहाँ अपन ने देखा कि ऐसी शेप बन रही है अपने ऑप्शन, अगर थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड में ऐसी शेप बन रही है क्या, ये देखो थर्ड में बन रही है, यहां से गए फिर देखो ऊपर की तरफ देन नीचे एंड ये देखो ये वाली शेप बन गई, ये हुई अपने को पूछा है, ठीक है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री इज राइट आंसर। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, आपको किस डायग्राम को अगर थोड़ा सा ध्यान से देख लोगे तो इजीली बता पाओगे, ठीक है। तो यहाँ अपने इसका आंसर हो गया ऑप्शन थ्री। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अपन ने एम्बेडेड जो फिगर थे इसके 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है। और एम्बेडेड का फिगर का मतलब होता है हिडन, मतलब अपनी को जो क्वेश्चन फिगर होगा वो किसी आंसर फिगर के अंदर क्या होगा, हिडन होगा, उसके अंदर इंक्लूड होगा, उसी के अंदर एम्बेडेड होगा, ठीक है। तो अपने को ये पता लगाना है कि जो क्वेश्चन फिगर के अंदर जो डायग्राम है वो कौन किसमें से बन रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ये क्लास आप ढंग से देख लोगे एंड थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो इजीली आप कवर कर पाओगे, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ अपन मिलेंगे नेक्स्ट रीजनिंग के चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद। Take free offline mock test every Sunday and evaluate your preparation. For this, visit our academy. Jai Hind.